हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग भी शिवेंद्र पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन का महीना चल रहा है और सावन का जो महीना है यह है जो हिंदू धर्म के व्यक्ति होते हैं उनके लिए एक अलग ऊर्जा और धार्मिक निष्ठा का महीना होता है। इस महीने में जो हिंदू व्यक्ति होते हैं वह हरिद्वार जाते हैं, वहाँ से कांवर लेकर आते हैं, पैदल यात्रा करके अपने घर तक पहुँचते हैं। तो उनकी धार्मिक भावनाएँ जो होती हैं, इच्छाएँ होती हैं, कुछ अलग होती हैं। तो ऐसे में कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसी खाद्य सामग्री उनको ना मिले जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो यूपी गवर्नमेंट थी उसने एक यह डायरेक्शन दिया कि जो भी खाद्य पदार्थ बेचने वाला विक्रेता होगा, जब वो किसी भी रिलीजियस से रिलेटेड हो, वह अपने जो भी शॉप होगी या फिर जो ठेली वगैरह वो लगाता है उस पर अपना क्या लिखेगा, नेम प्लेट वहाँ पर लिखेगा कि आखिर किस धर्म का वो व्यक्ति है। यह मामला तूल पकड़ गया और मामला पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट तक, क्योंकि हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर आप किसी व्यक्ति से उसके शॉप पर नेम प्लेट लगाने की बात कर रहे हो, मतलब वहाँ पर सांप्रदायिकता फैलाने की बात कर रहे हो। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या डिसीजन दिया और साथ ही साथ अपने बचाव में स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कहा, ये देखते हैं विस्तार से आगे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर, यानी कि जो कांवड़ती वापस आते हैं तो जब मार्ग में वो लोग होते हैं तो जो भोजनालय जहाँ पर वो खाना वगैरह खाते हैं प्रदर्शित करने के खिलाफ अपने निर्देशों का सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बचाव करते हुए कहा। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा स्टेट गवर्नमेंट से कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, और साथ ही साथ इंटरिम रोक लगा दी स्टेट गवर्नमेंट के इस ऑर्डर पर कि जब तक आप हमें जवाब नहीं दोगे तब तक आपका यह जो निर्देश आपने दिया है लागू नहीं होगा। आप किसी भी दुकान वाले को जो है फोर्स नहीं कर सकते, बाउंड नहीं कर सकते कि वो अपनी दुकान पर नेम प्लेट लगाए। तो यहाँ पर भोजनालय के नाम प्रदर्शित करने के खिलाफ जो बात गई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उसको अपने डिफेंस में क्या कहा स्टेट गवर्नमेंट ने, यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया कि कांवड़ियों की जो धार्मिक भावना है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपने बचाव में क्या कहा है कि उन्होंने ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया है कि जो कांवड़ी होते हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, चाहे गलती से ही क्यों ना हो। मतलब यह जो स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि यह जो उन्होंने डायरेक्शन दिया है, चाहे गलती से ही क्यों ना लिया हो, बट यह जो डिसीज़न लिया गया है केवल शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही लिया गया है। ऐसा डिसीजन या ऐसा डायरेक्शन देने के पीछे स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी भेदभाव पूर्ण जो है यहाँ पर मंशा नहीं रही है। आगे जो एफिडेविट स्टेट गवर्नमेंट ने जमा किया है उसमें भी उन्होंने यही बात की है कि इस डायरेक्शन के पीछे का जो विचार है वो केवल पारदर्शिता और यात्रा की अवधि के दौरान जो भोगता होते हैं, जो कांवड़िए हैं, उनके द्वारा खाए जाने वाला जो भोजन है उसके बारे में एक विकल्प सूचित करना है कि क्या मानो नेम प्लेट के अकॉर्डिंग नेम देख करके वो उस दुकान से, वो उस भोजनालय से कोई भी भोजन लेना ग्रहण करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। यह केवल उनकी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जिससे वे गलती से भी अपनी मान्यताओं के विरुद्ध न जाएं। कौन नहीं जाएं, जो कांवड़ती हैं वो अपनी इच्छा से विकल्प चुन सकते हैं कि किस दुकान या किस भोजनालय पर जाकर वो खाना खाएं। वो अपनी मान्यता के विरुद्ध नहीं जा सकते। ऐसी स्थितियों से जाहिर तौर पर तनाव पैदा होगा। तनाव मतलब कैसा, कि अगर यात्रा के दौरान उन्होंने कोई ऐसी चीज़ खा ली जो उनके धर्म के अगेंस्ट है तो इससे क्या होगा, तनाव पैदा होगा। जहाँ लाखों करोड़ों लोग पवित्र जल लेकर नंगे पैर चल रहे होंगे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचेगी यदि वो कोई ऐसा भोजन ग्रहण करेंगे जो उनके धर्म के विरुद्ध होगा। तो यह जो डायरेक्शन है भेदभावपूर्ण नहीं है, ऐसा अपनी एफिडेविट में स्टेट गवर्नमेंट ने कहा, और कहा कि ये कांवर यात्रा मार्ग पर जो खाद्य विक्रेता हैं उन पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित ही क्यों ना हो, कोई भी धार्मिक या सामुदायिक जुड़ाव कुछ भी नहीं। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि इस डायरेक्शन को, इस निर्देश को देने से पहले उनके पीछे उनके मन में कोई भी धार्मिक या सामुदायिक जुड़ाव नहीं था कि यदि इस प्रकार की नेम प्लेट रखी जाएगी तो वहाँ पर जो है भोजन केवल हिंदुओं की दुकान से खरीदा जाएगा, ऐसी मंशा उनकी नहीं रही। यह एफिडेविट में उनके कहने का उद्देश्य है। इस निर्देशों का उद्देश्य कांवड़ यात्रा के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है, बड़ी संख्या में जो प्रतिभागी और सांप्रदायिक तनाव की भावना को देखते हुए निवारक उपाय करना है। यानी कि अगर देखा जाए तो सब जगह स्टेट गवर्नमेंट का वही कहना है
कि ये इस प्रकार की जो उन्होंने व्यवस्था की, ये केवल एक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए की गई है, ताकि किसी भी प्रकार का तनाव या फिर भेदभाव या फिर गड़बड़ी या कुव्यवस्था जो है वहाँ पर नहीं फैलेगी। इस केस को जो सुन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस हैं, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की जो बेंच है, उसने इन निर्देशों पर रोक लगा दी। जैसा अभी हमने आपसे कहा, ये जो डायरेक्शन दी थी स्टेट गवर्नमेंट ने, इस पर रोक लगाते हुए कहा कि जो खाद्य विक्रेता हैं उनको, यानी कि जो उनके मालिकों का नाम है, पहचान प्रदर्शित करने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते हैं, यानी कि ऐसा करना उनके लिए नेसेसरी नहीं होगा। इसके अलावा फिर गवर्नमेंट ने अपने जवाब में देखिए फिर क्या कहा कि कामवर्तियों को परोसे जाने वाला जो भोजन है उसमें एक प्रकार है, छोटी सी उलझन है कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। इसके अलावा यह है क्या हो सकता है कि अगर इस प्रकार का कोई मामला उठा खाद्य पदार्थों से, किसी भी प्रकार से उन कांवड़ियों की भावनाओं को ठेस पहुंची, तो यह मामला भड़क सकता है। क्योंकि जो खासकर मुजफ्फरनगर क्षेत्र आपने देखा होगा, वहाँ पर मोस्टली जो सांप्रदायिक दंगे हैं वो बहुत ज़्यादा फैलते हैं। तो सरकार का यहाँ पर क्या कहना था कि खासकर जो मुजफ्फरनगर जैसे क्षेत्र हैं वो सांप्रदायिक रूप से काफ़ी संवेदनशील है, वहाँ इस प्रकार की सांप्रदायिक घटनाएं भी पहले काफ़ी समय उठ चुकी हैं, कि मतलब धर्म के प्रति भेदभाव और दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने संबंधी चीज़ें वहाँ पर पहले हो चुकी हैं। इसके अलावा सरकार ने अपने डायरेक्शंस का बचाव करते हुए कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 51 का ए है, ठीक है, उसमें निहित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के अनुरूप है, यानी कि यहाँ पर यह है प्रत्येक सिटीजन की क्या है ड्यूटी है कि वो अपने कर्तव्यों को सही से निभाए, कि भारत के प्रत्येक नागरिक जो है सभी लोगों के बीच क्या होना चाहिए, सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ाना चाहिए। और ऐसा इसीलिए गवर्नमेंट ने जो किया है, ये भारत के सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से क्या, यह सुनिश्चित करना कि कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जा सके, इस निर्देश को बढ़ावा दिया और भाईचारे और शांतिपूर्ण अस्तित्व की भावना में योगदान करते हैं। यानी कि मेनली स्टेट गवर्नमेंट का क्या कहना है कि इन्होंने इस प्रकार का जो ये प्रोविज़न किया, इस प्रकार का जो यह है निर्देश रखा है, यह है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो भाईचारे की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से क्या है, इसके पीछे किसी प्रकार की सांप्रदायिक दंगे भड़काने की मंशा नहीं।